फॉर्म आरजेडी। अगर नहीं हुआ तो इसका दुकान लिखवा लेंगे हम। अब बीजेपी नहीं है कहती अपना पूरा प्रॉपर्टी दे देंगे, घर दे देंगे, पूछे भैया से। ठीक है, कम लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग रखिएगा। हमारे यहाँ से एक सांसद है जिसका नाम अश्विनी चौबे है, अश्विनी चौबे है, उसके खिलाफ है हम, उसको हटाओ। तब हम तेजस्वी को देखना चाहते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर बिहार के, क्योंकि वो एक युवा नेता है, उभरते हुए नेता है और बहुत अच्छे दिल के साफ सुथरा नेता है। सर हम तो एक्साइटेड एक्साइटेड कुछ होने रहा। क्यों? हम बिजनेसमैन हैं, हम राजनीति करते नहीं हैं, आराम से हम चाय बेचते हैं। इन लोगों को संन्यास देना चाहिए, रामकृपाल यादव जी को, गिरिराज सिंह को, राजीव प्रताप रूढ़ी को, रविशंकर प्रसाद को। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं, 7 चरणों में पूरे देश भर में चुनाव होना है। लेकिन बिहार की अगर बात करें, बिहार की 40 सीटों पर बात करें, तो 7 अलग अलग चरणों में बिहार की 40 अलग अलग सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पटना के लोगों की क्या राय है चुनाव को लेकर के, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद इन लोगों की क्या राय है करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहेंगे, चलिए आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या कहिएगा? वोट देंगे आओ का? वोट दीजिएगा। हाँ, 7 चरण में बिहार में चुनाव हो रहा है, एक्साइटेड हैं आप? हाँ जी। क्या लग रहा है, किसकी हवा ज्यादा है, एनडीए या इंडिया गठबंधन? एनडीए आएगा कि इंडिया? एनडीए आएगा। हाँ मोदी जी। हाँ मोदी। और तेजस्वी यादव? तेजस्वी नहीं आएगा। बिहार के 40 सीट में तेजस्वी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? हाँ, कम है, जादेबा की लहर उसका है। किसका लहर? कमल का लहर। कमल का लहर। हाँ चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित हुआ जी। बिहार में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है, बिहार में 7 चरण में चुनाव है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हम लोग तो एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जल्द से जल्द कमल पे फिर से बटन दबा के कमल को भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरा अपना और हमारे दोस्त का बहुत मतलब है, दिली इच्छा है। आपकी दिल इच्छा है कि कमल को बटन दबा करके फिर से? जैसा कि हमारे बड़े भैया हुए ये बोलेंगे कमल का और दोस्त का क्या क्या है ना, मेरा मानना है कि देखिए हम युवा हैं, हम लोग बिहार में एमपी के इलेक्शन में हम लोग चाहेंगे कि मोदी आए सेंट्रल में, लेकिन हम बात करेंगे बिहार के इलेक्शन में, जब हमारे लोकसभा इलेक्शन होगा तब हम विधानसभा तब हम तेजस्वी को देखना चाहते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर बिहार के, क्योंकि वो एक युवा नेता है, उभरते हुए नेता है और बहुत अच्छे दिल के साफ सुथरा नेता है ना, उनके कैरेक्टर के ऊपर कोई दाग नहीं लगा है अप टू नाउ। बाकी जितने भी हमारे बिहार के मंत्री रहे हैं, किसी न किसी के ऊपर दाग है, किसी फील्ड में किसी को घोटाला को लेकर के, किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड सबके ऊपर है, लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर ऐसा कुछ भी दाग नहीं है। तो बिहार में हम सीएम एज ए सीएम तेजस्वी को देखना चाहेंगे, सेंट्रल में मोदी को देखना चाहेंगे, क्योंकि मोदी बहुत अच्छा काम करेंगे। आपसे ले लेंगे इस साल चुनाव में युवा कितने अहम होने वाले हैं इस बार चुनाव, क्योंकि आप लोग भी युवा हैं। फैक्टर रखेगा युवा, युवा ही अहम फैक्टर रख रहा है बिहार में इस बार। जिधर युवा बोलेंगे, अगर उस घर में 10 वोट है तो उस घर का जो एजुकेटेड युवा होगा वो 10 वोट को कन्वर्ट करेगा 110%। युवा अहम फैक्टर हैं बिहार के और रहेंगे। इस बार सीट अच्छा खासा आएगा, इस बार 37, मेरा तो अनुमान 37 का ही है 40 में, कि 2-3 सीट तो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। 2-3 सीट पूरे देश में? नहीं, बिहार की, बिहार में। हाँ, बिहार की बात है। और मुझे लगता है कि 37 सीट, और मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव में बदलाव हो, ये जो नेता जो बड़े बड़े जो बुजुर्ग हो चुके हैं इनको हटाकर युवा नेता को एक चेहरा बनाया जाए और उनको। एलजेपी से हमारे भाई आईटी सेल के अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, ये कुछ बोलेंगे, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर के, तारीखों का ऐलान हो गया है? सर्वप्रथम तो ये हमारा महापर्व शुरू हो चुका है, फिर से हम लोगों को अपने नेता माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को चुनने का मौका मिला है, और अब की बार 400 पार का ये जो नारा है इसको हम बिहार की जनता से, बिहार की युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि इस नारा को बुलंद बनाएं। सवाल, इस बार युवा कितने फैक्टर, युवा कितना अहम फैक्टर होगा? सबसे अहम फैक्टर इस बार युवा का ही रहेगा, और युवा बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं बिहार लोकसभा चुनाव में। और जो भी इन लोगों का जो इंडिया गठबंधन का जो भी ये जो फर्जीवाड़ा था जॉब देने का, ये वो डिस्डैट जो भी था, वो सबका असलियत सामने आ चुका है, और इस पर युवाओं को ही इस पर चोट देना है, और युवा इस पर चोट देंगे, और अब की बार फिर से मोदी सरकार
और हम सब मोदी के परिवार हैं, थे और रहेंगे। चलिए हमारे साथ कुछ और युवा हैं, हम एक एक करके चाहेंगे वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, उन लोगों से भी आने को कहेंगे। हमारे साथ एक और युवा हैं, क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीख का ऐलान हो गया है, कितने एक्साइटेड हैं और युवा कितने बड़े फैक्टर होने वाले? सर हम तो एक्साइटेड कुछ होने रहा, क्यों? हम बिजनेसमैन हैं, हम राजनीति करते नहीं हैं, आराम से हम चाय बेचते हैं। देखिए सरकार कुछ भी आए, काम करेगी तो हम खुश हैं, नहीं काम करेगी तो ना खुश ही रहेंगे। अभी युवा है, अभी तो वोट तो डालने जाएंगे ही, तो युवा कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे इस बार? देखिए बहुत ज़्यादा फैक्टर साबित होंगे ना, क्योंकि युवा पे ही सब कुछ है। आज के डेट में 60% युवा लोग हैं, तो वोट तो देंगे और सारा उन्हीं पे सब चीज़ हो जाएगा। चलिए कुछ और युवा है कि करके हम चाहेंगे कि उन लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कहेंगे युवा इस बार कितने बड़े फैक्टर होंगे और चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? युवा काफ़ी बड़े फैक्टर होने वाले हैं इस बार के इलेक्शन में, क्या हर इलेक्शन में एक तरह से देखा जाए तो, और इस बार के इलेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर बताया जाए तो मेरे हिसाब से NDA गठबंधन फिर से आने वाली है और काफ़ी अच्छे खासे सीट्स के साथ आने वाली है। चलिए एक आखिरी प्रतिक्रिया हम एक बार फिर से आपको जोड़ना चाहेंगे अपने साथ में, चुनाव को लेकर के एक्साइटमेंट क्या है आपके अंदर? बहुत एक्साइटमेंट है, और मेरा अभी सबसे बड़ा इसमें कंसर्न क्या है कि सबसे पहले इन लोगों को संन्यास देना चाहिए, रामकृपाल यादव जी को, गिरिराज सिंह को, राजीव प्रताप रूढ़ी को, रविशंकर प्रसाद को, इन सबको, अश्विनी चौबे को, इन सबको साइडलाइन करना चाहिए, इन लोगों को घर में बैठ के आराम करना चाहिए और नए चेहरे को मौका देना चाहिए। युवा चेहरा एकदम न्यू, एकदम युवा ही चाहिए। आप भी युवा चेहरा चाहते हैं? बिल्कुल युवा चाहते हैं। और कौन कौन से लोग युवा चेहरा चाहते हैं, एक बार आपकी अपनी प्रतिक्रिया? इन लोगों का एज हो चुका है, ठीक है, इन लोगों का एज हो चुका है, ये सबसे किया गए हैं। युवा मुख्यमंत्री बनाइए, युवा आपकी पूरा बिहार में आपकी 400 का 400 RJD जा रहा है, कोई एकदम कन्फर्म है, RJD के सिवा कोई नहीं। यूपी में ये जो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है सही बात है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपना दुकान तुम्हारे या हमारे नाम कर देगा। नहीं हमारे नाम नहीं, बिहार में NDA का नहीं आएगा, बिहार में NDA कभी नहीं आएगा, बिहार में ओनली 4 RJD कन्फर्म RJD। अगर नहीं हुआ तो इसका दुकान लिखवा लेंगे हम। अब बीजेपी नहीं आएगा तो अपना पूरा प्रॉपर्टी दे देंगे, घर दे देंगे, पूछे भैया से, ठीक है, कम लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग रखिएगा। 37 सीट मैंने बोला है ना, तब भी बोला तो आज भी बोला। आरजेडी के 5 सांसद का ये नाम बता दें बस। ठीक है, हम 5 सांसद के नाम, अभी हारा से कैसे नाम बताएं, अभी हारा होते कैसे बताएं? सांसद को आप सपोर्ट करेंगे? किस सांसद को सपोर्ट करेंगे? जो RJD का सीट देगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। कौन से लोकसभा से आते हैं? हम छपरा जिला से आते हैं, वहाँ के सांसद अभी तो अजीत प्रताप रूढ़ी है। हाँ, उनके खिलाफ कौन लड़ता है वहाँ? कौन लड़ता है अभी? कौन अभी तो चंद्रिका राय को दिए थे, वो आपके हार गए थे। RJD से लड़े? हाँ, लड़े दिए हुए थे, आपको हार गए हैं। तेज प्रताप के जो समधी थे, ये हैं RJD के सपोर्टर। ये हम खुद नहीं है, बीजेपी के नहीं है, हम RJD हैं, लेकिन CM के लिए, तेजस्वी के लिए हम RJD के वोट देंगे, तेजस्वी के लिए। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमेशा नरेंद्र मोदी को देखते हैं। हमारे यहाँ से एक सांसद है जिसका नाम अश्विनी चौबे है, अश्विनी चौबे है, उसके खिलाफ है हम, उसको हटाओ, उस हठिया गया है आदमी, उसको हटाओ। रोजगार के नाम बता दे बीजेपी एम्स, अरे 50 को बता देंगे, 50 को बता देंगे, 10 को रोजगार के नाम बता दे। अश्विनी चौबे है सांसद है बक्सर का, एम्स आता है ले जाकर के भागलपुर में, हॉस्पिटल का कोई भी काम आता है भागलपुर में फेंकता है वो आदमी, वहाँ से सुधाकर सिंह को जिताना बहुत जरूरी है, जो कि RJD से उनको फुल सपोर्ट है बक्सर। ये बोले हैं ना कि RJD सपोर्टर है, 10 को जब से बीजेपी आया है केंद्र में, 10 को रोजगार। आप लोग लोकतंत्र के सपोर्टर हैं, RJD सपोर्टर, बीजेपी सपोर्टर अपनी जगह। हम तो तेजस्वी भाव है, ओनली तेजस्वी, भगवान इनके लिए भगवान है। चलिए तो देखिए यहाँ पर चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद आप पटना के युवाओं की प्रतिक्रिया सुन रहे थे और किस तरीके से तीखी नोक झोंक भी हुई, मगर सब आपस में दोस्त हैं, और चूंकि राजनीति पे बहस होनी चाहिए और दोस्त आपस में बहस कर रहे थे और आपस में बहस यहाँ तक गई कि ये कह रहे हैं कि अगर BJP 37 सीट लाया तो मैं अपना प्रॉपर्टी इनके नाम कर दूंगा, और अगर RJD अगर 3 से ज्यादा सीट लेकर के आती है तो इनका दुकान में अपना दे दूंगा। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों में बहस जो है, आपस में सभी लोग दोस्त हैं और दोस्तों में बहस जो है कितनी जबरदस्त हो रही थी। तो मैंने अपने आपको सुनाया कि किस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद युवाओं की प्रतिक्रिया थी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।